हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिज्जा पाव की रेसिपी। इस रेसिपी को आप बचे हुए पाव के साथ भी बना सकते हैं और ये बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। जब भी कुछ अच्छा और जल्दी से बनाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पिज्जा की स्टफिंग बनानी है, जिसके लिए मैंने एक बोल में 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, 2 बड़े चम्मच बीज निकले हुए बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं और 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे उबले हुए स्वीट कॉर्न कर्नल्स और 2 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो सब्जियां यहाँ पे आप अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको इसमें फिलिंग में डालने का मन हो आप वो डाल सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे इनोवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन चारों चीजों का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे कलरफुल शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करके इसे और भी ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं, पर मेरे पास इस वक्त घर पे जो चीजें पड़ी थी मैं उसके साथ इस रेसिपी को बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक और यहाँ पे मैं डालूंगी अब पिज्जा सीजनिंग। तो यहाँ पे आपके पास अगर ये ना हो तो यहाँ पे आप ओरिगैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो अगेन आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं और थोड़ा सा इसे और मजेदार बनाने के लिए मैं इसमें डाल दूंगी यहाँ पे पिज्जा सॉस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को बनाना यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि आपके घर पे जो भी सामान रखा हो आप उसके साथ इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पाव, यहाँ पे मेरे पास 2 पाव बचे हुए थे और जिनको मैं इस तरीके से आप देखिए कट करूंगी। आप यहाँ पे एक नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे आपको एक स्पून की मदद से इसको करके दिखा रही हूँ कि आप स्पून के पिछले तरफ से आप इसे जितना भी जेंटली आप होल एक बना सके, इसमें कैविटी बनानी है हमें बेसिकली। तो यहाँ पे आप बहुत ही जेंटली इस काम को करें और जितना बड़ी कैविटी आप बना सकते हैं उतना अच्छा, आपकी उतनी ज्यादा फिलिंग्स इसमें आ पाएंगी। और इस तरीके से इसे अंदर की तरफ ही हम दबा देंगे ताकि ये हमारी जो पाव है ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इसे अच्छे से हम अंदर की तरफ सेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा होल यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे पाव में भी एक बढ़िया से कैविटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पाव बनाकर इस तरीके से तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसमें अंदर की तरफ लगाऊंगी थोड़ा सा मेल्टेड बटर, जिससे कि जब हम इसे बेक करेंगे तो ये अंदर से भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से हम इसमें बटर अप्लाई कर देंगे और अब यहाँ पे मैं इसमें अंदर डालूंगी थोड़ा सा पिज्जा सॉस, क्योंकि हमने पिज्जा पाव बनाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पिज्जा सॉस का इस्तेमाल करना तो मैंडेटरी है। तो अब इसे भी हम अच्छे से अंदर फैला देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा रख सकते हैं इस सॉस को, क्योंकि ये थोड़ा सा चिली साइड में होता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है अंदर, ये देखिए ये अच्छे से स्प्रेड हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी फिलिंग, जो स्टफिंग हमने बनाकर तैयार की हुई थी वो अब हम इसे इसमें फिल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैं स्टफिंग के यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसे दबाते हुए स्टफिंग इसमें भर देंगे। तो ये दूसरी पाव में भी भर दूंगी मैं स्टफिंग। इससे पहले भी मैंने आपको एक रेसिपी बताई है पाव से रिलेटेड कि अगर आपके पास पाव बच जाती है या फिर अगर नहीं बचती है आप मार्केट से भी खरीद के रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको एक रेसिपी दी है, वो भी बहुत ही मजेदार है, आप उस रेसिपी को भी जरूर ट्राई कीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो यहाँ पे अब मैं ऊपर से इसमें डाल रही हूँ मोजरेला चीज, आप यहाँ पे अगेन किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मोजरेला पड़ी थी इसलिए मैंने यहाँ पे मोजरेला का इस्तेमाल किया है। तो चीज लवर है तो अच्छे से चीज डाल सकते हैं या फिर मेरे जितना भी यहाँ पे आप चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऊपर से मैं इसे कोट कर रही हूँ फिर से मेल्टेड बटर के साथ, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सिककर तैयार हो जाएगा बेक होकर। तो चलिए अब इसे हम अपने होममेड ओवन में बेक करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से मैं थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग और डाल रही हूँ, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जिससे ये देखने में बहुत ही कलरफुल लगेगा और बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होगा।
तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसे अवन में भी बेक कर सकते हैं। अवन में बेक करने के लिए आप स्क्रीन पर फॉलो दिए गए डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में नमक डालकर एक वायर रैक को इस तरीके से रखकर ढककर तकरीबन 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था, और उसमें अब इसे हम बेक करेंगे जब तक कि ये बटर हमारा मेल्ट, सॉरी चीज हमारी मेल्ट ना हो जाए। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही बेक करेंगे, ज्यादा हमें आंच धीमी नहीं करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको बनाने के बाद। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। वाओ, देखिए हमारी चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। मैं आपको एक क्लोजर लुक भी देख रही हूँ, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें, इसे बहुत ही मजा आएगा गर्मा गर्म खाने में। तो रेसिपी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ट्राई करते हैं पसंद आती है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।